मध्य प्रदेश में अब तीसरे चरण की जंग शुरू हो चुकी है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर कोई अपने अपने तरीके से जनता को लुभाता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच मतदान प्रतिशत को लेकर भी नेता अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कोई मतदान को अपने पक्ष में बता रहा है तो कोई इसे अलग ही एंगल से समझने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे मतदाताओं के फैसले को बिना जाने सियासतदान दावे ठोक रहे हैं। कई प्रकार के फसल कटाई का मौसम भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्वाचन हुआ। हम उम्मीद करेंगे और आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पिछली तुलना में जो हम 6 सीट पे लाए थे उसकी तुलना में हम काफ़ी अच्छे हैं। बाकी राज्यों की तुलना में तो संतोषजनक है, बाकी राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में बहुत अच्छा हुआ। उम्मीद करेंगे 100% हो, क्या बुरा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ। और इससे ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि जो परसेंटेज हुआ उसमें भाजपा का 20% से ज़्यादा अंदाज लग रहा है कि कांग्रेस को 20% से ज़्यादा पीछे छोड़ रहा है। 11% महिलाओं का वोट कम हुआ है। जो भी मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी पिछली, ये लाडली लक्ष्मी योजना के कारण जो महिलाओं ने सपोर्ट किया था भारतीय जनता पार्टी को, उसका परिणाम था। और 11% महिलाओं का वोट कम होना ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। दूसरी बात, जो 8% पुरुषों का मतदान कम हुआ है, ये अभी जो जानकारी आ रही है ये शहरी क्षेत्रों में हुआ है, और वहां ज्यादा हुआ है। आप थोड़ा इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, जहां बीजेपी ज्यादा वोटों से चुनाव जीती है, पिछला लोकसभा का भी और विधानसभा का भी। मध्य प्रदेश में अब 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है, और उससे पहले सियासी दलों का पूरा फोकस इस बार ग्वालियर चंबल बन चुका है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के प्रभाव वाली ग्वालियर चंबल की सीटों पर खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए उतरेंगे। और महाकौशल के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस होगा। इसके लिए राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड जाएंगे और प्रियंका गांधी और 2 मई को यहां मुरैना में प्रचार करने के लिए पहुंचेंगी। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश के साथ 30 अप्रैल को 11 बजे भिंड में आम सभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के आगमन से कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनता में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और पूरा देश आज राहुल गांधी की तरफ देख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां ग्वालियर चंबल पर फोकस कर पार्टी के वोट प्रतिशत को बढ़ाने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब बसपा कांग्रेस का वोट काटने की तैयारी में है। ऐसे में बीएसपी किसके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगी, जरा नेताओं के बयानों के जरिए सुनिए। देखिए, 2 चरणों के चुनाव के बाद ये जनता का रुझान जो है और जनता का रुख अब स्पष्ट हो चुका है कि उसको इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की सरकार देश में चाहिए है। अब कोई भी 10 साल का एक टेन्योर मोदी जी का और उनके सहयोगी दलों का देख चुकी है जनता, और जनता मुद्दों पर वोटिंग कर रही है, चाहे मायावती जी आए चाहे कोई भी दल आए, उसके प्रति कोई रुझान नहीं है जनता का। और जनता अब एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है इस लोकसभा चुनाव में, और 4 जून को एक जबरदस्त इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। यदि मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहां सिर्फ 2 ही दल है, पहले नंबर पर भाजपा, दूसरे नंबर पर कांग्रेस। और ग्वालियर चंबल तो इतने विकास के काम भाजपा की सरकार ने करे हैं कि पूरी तरह से भाजपामय मोदीमय हो चुका है ग्वालियर चंबल। अब वहां राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रहे हैं, भिंड मुरैना मायावती आ रही, सब आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। न बसपा का खाता मध्य प्रदेश में खुलेगा, न कांग्रेस का खाता ग्वालियर चंबल या मध्य प्रदेश में कहीं खुलेगा। 29 में से 29 सीटें जीतेंगे और पूरी तरह से ग्वालियर चंबल की जनता भाजपा के साथ है। तो देखिए, तीसरे चरण की तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं, और अब आपको बताते हैं कि आखिर तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में किन सीटों पर मतदान होना है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल, ये वो लोकसभा सीट्स हैं जहां पर तीसरे चरण में मतदान होना है। इसी दौरान कई ऐसी भी सीटें हैं जो कि बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती हैं। आपको बता देते हैं कि इन सीटों पर कौन कितना मजबूत है। सबसे पहले बात मुरैना की कर लेते हैं, जहां बीजेपी को 2019 में 47.57% वोट मिले थे।
तो वहीं कांग्रेस को 37.62% वोट मिले। भिंड की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 54.81% वोट मिले और कांग्रेस को 34.5% वोट मिले। ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां बीजेपी को 2019 में 52.41% वोट मिला, कांग्रेस को 40.14% वोट मिला। गुना में बीजेपी को 2019 में 52.1% वोट मिला, कांग्रेस को 41.44% वोट मिला है। बात सागर के करेंगे जहां 2019 में बीजेपी को 62.29% वोट मिला है। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, तीसरे चरण की तैयारी दिख रही है, हर दल अपनी जीत का दावा ठोक रहा है, कैसे देख सकते हैं इसको? देखिए, जो ग्वालियर चंबल में जो बसपा का फैक्टर है वो ये है कि बसपा खुद जीते ना जीते लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी की राह मरोड़ा बन जाती है। चाहे तो ग्वालियर चंबल की आप लोकसभा सीट भिंड दतिया में जाइए या फिर चले जाइए आप मुरैना में, तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कटौतरा का काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, लेकिन एट द एंड दोनों ही जगह यदि आप देखेंगे तो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, यानी घमासान है, वो आर पार का नहीं है, दो तरफा, वो तीन त्रिकोण हो गया है। क्योंकि मुरैना में देखेंगे तो बीजेपी के कैंडिडेट से मंगल सिंह तोमर है और कांग्रेस पार्टी के सत्यपाल सिंह नीटू है और व्यापारी वर्ग से आने वाले बसपा के कैंडिडेट मैदान में खड़े हो गए, कौन, रमेश चंदकर। तो यानी वो बीजेपी का भी काटेंगे, व्यापारी वर्ग जो वोट बैंक है, बसपा का जो परंपरागत है, कांग्रेस पार्टी को जो कन्वर्ट हो सकता था वो वोट बैंक आएगा। तो कुल मिलाकर दोनों की राह में रोड़ा बन गए। मायावती कल आ रही है तो और आप कर समझ लीजिए कि और मुश्किलात बढ़ने वाली, और यही वजह रहा है कि पीएम मोदी को मुरैना आना पड़ा। अब भिंड में आप जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर वहां पर देवाशीष जरारिया बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फूल सिंह बरैया कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी की संध्या रहा है। तो इन सीटों को आप देखेंगे तो बसपा देखिए भारी नुकसान पहुंचाने वाली, अब की बार किसका काम बिगाड़ेगी बसपा, ऐसी बाकी सीटों पे आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट पर बसपा इस बार चुनाव लड़ी है। और बसपा बीजेपी के लिए जो पॉलिटिकल पंडित बताते हैं वो ये बताते हैं कि बीजेपी के लिए कम भारी होती है, कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा होती है, क्योंकि दलित जो वोट बैंक होता है वो बसपा से कनेक्ट होता है, ये कहा जाता रहा है। ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे इतना डिटेल में साझा करने के लिए।